जनपद के सभी 20 विकास खंडों पर 25 सितंबर को गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन भरोया ब्लॉक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद के समस्त 20 विकास खंडों में कैंप लगाकर गरीबों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विकास खंड में जन आरोग्य मेला, स्वास्थ्य परीक्षण, आयुष्मान कार्ड वितरण तथा कोविड-19 टीकाकरण, सभी प्रकार के ऋण वितरण, कृषि यंत्रों के वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, उज्ज्वला योजना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पात्र परिवारों को राशन कार्ड तथा खाद्य सामग्री का वितरण, गरीब बालिकाओं के विवाह हेतु संचालित योजना का लाभ पात्र बालिकाओं को दिए जाने तथा गर्भवती महिलाओं व कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं पोषाहार वितरण सहित अन्य योजनाओं का कैंप लगाकर जन सामान्य को जागरूक एवं लाभान्वित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, शासन के निर्देश के अनुसार गरीब कल्याण मेला कल सब प्रत्येक विकास खंड में लग रहा है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ भरोया ब्लॉक में स्वयं किया जा रहा है और इसमें विभिन्न योजना में आच्छादित लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ देते हुए स्वीकृति माननीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में पारदर्शितापूर्वक दी जाएगी। उसमें हर एक ब्लॉक में तैयारी पूर्ण की गई, लाभार्थियों को सूचना दी गई है, सूची बना दी गई है और सभी प्रशासकीय विभाग द्वारा इसमें स्टॉल लगाते हुए जानकारी योजनाओं के देते हुए उत्सव की तरह मनाते हुए वितरण किया जा रहा है। सर, बाढ़ प्रभावित वालों के लिए भी कुछ ऐसे जो भी? नहीं, बाढ़ वाला नहीं है इसमें। इसमें जो विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें लाभार्थी पर योजनाएं हैं उनको पारदर्शितापूर्वक सीधा उनके लाभ मिल सके और कहीं पे भी उनको कोई दिक्कत या शोषण की बात ना आए, इस तरह की व्यवस्था के लिए ये योजना दी जा रही है ताकि सभी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त हो और उनमें आच्छादन में कोई दिक्कत ना आए।